नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लुटेरे बदमाश शाहरुख के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद की गई। बदमाश के खिलाफ दिल्ली NCR में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश साल 2016 में कैश लूट की घटना में भी शामिल था, जिसके बाद गिरफ्तार करके इसे जेल भी भेजा गया था। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश के पास से 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। बदमाश के खिलाफ दिल्ली NCR में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सेक्टर 39 और पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और उसका नाम अभी शाहरुख अभी ज्ञात हुआ है। और ये एक शातिर लुटेरा है जो गाजियाबाद और नोएडा से काफ़ी मुकदमों में जेल जा चुका है और थाना 20 से अभी ये लूट के मुकदमे में वांटेड है। और अभी पूछताछ में जानकारी हुई है इसके ऊपर लगभग 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं और ये गाजियाबाद से एक थाने से ये टॉप 10 का अपराधी है। और नोएडा से एक और बड़ी खबर है, थाना फेस 1 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 15 के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर दिल्ली NCR में लूट के कई केस दर्ज हैं। तो नोएडा से एक और बड़ी खबर, नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 15 के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर दिल्ली NCR में लूट के कई केस भी दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाशों ने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कार भी बरामद की गई है। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नोएडा के बाद देर रात ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा और एक कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इन्होंने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी जारचा द्वारा प्यावली नहर चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी। इसी समय अल्ट्राटेक चौकी प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि एक स्विफ्ट डिजायर हरियाणा नंबर की गाड़ी रोकने पर रुकी नहीं और तेजी से भागने लगी है। मैं पीछा कर रहा हूं, आप आगे दिखवा लें, जिस पर इनके द्वारा घेराबंदी की गई और रुकने का इशारा करने पर उसमें से फायरिंग की जाने लगी।